सीएम नीतीश के सहारे मायावती करेंगी इंडिया गठबंधन में एंट्री। क्या बिहार यूपी में इंडिया करेगी बड़ा खेला? आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो चुकी हैं। एनडीए और इंडिया इन दोनों गठबंधनों में कुनबा विस्तार करने की होड़ मची हुई है। बिहार में जहां एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए ने अपने पाले में लाकर कुनबा बढ़ा लिया है, तो वहीं बेंगलुरु विपक्षी महाबैठक में 26 दलों ने शामिल होकर इंडिया गठबंधन को विस्तार देने का काम किया है। पटना और बेंगलुरु विपक्षी महाबैठक से मायावती की पार्टी बसपा अभी तक दूर रही है और न ही अगली मुंबई की बैठक में बसपा के शामिल होने की कोई खबर है। मायावती तो 2024 चुनाव में एकला चलो की नीति पर चलने का ऐलान भी कर चुकी है, मगर इसी बीच बीते दिनों मायावती के सांसद कुंवर दानिश अली ने विपक्षी एकता के अगुआ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इस मुलाकात से बिहार सहित पूरे देश का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या बसपा सुप्रीमो मायावती सीएम नीतीश के कंधे पर सवार होकर इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहती है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर भारत के लगभग 150 लोकसभा सीटों पर एनडीए का खेल बिगड़ सकता है। तो चलिए समझते हैं पूरे मामले को विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश की पार्टी जदयू इन दिनों उत्तर प्रदेश में पार्टी विस्तार और चुनावी गतिविधियों में सक्रिय है। नीतीश के सबसे खास मंत्री श्रवण कुमार लगातार फुलपुर और राज्य की अन्य लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर पार्टी के तीर को धारदार बनाने में जुटे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो जदयू को यूपी में अगर मायावती का साथ मिल जाता है तो लड़ाई दिलचस्प देखने को मिल सकती है। हालांकि सपा मुखिया अखिलेश यादव पहले से ही इंडिया का हिस्सा हैं। अगर मायावती भी इंडिया में शामिल हो जाती है तो यह एनडीए को बड़ी चुनौती दे सकता है। इसी बीच मायावती के सांसद कुंवर दानिश सीएम नीतीश से पटना में मुलाकात करते हैं, जिससे राजनीतिक पारा चढ़ गया है। राजनीतिक हलकों में चर्चा होने लगी है कि 2024 चुनाव में बीएसपी प्रमुख मायावती इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। बिहार उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया के साथ बीएसपी का यह गठजोड़ एनडीए को बड़ी चुनौती दे सकता है। हालांकि सीटों की संख्या और सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा, इस पर कोई भी बात कहना अभी जल्दबाजी होगी। आपको बता दें कि बीते दिनों जब पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जातीय गणना पर लगी रोक हटाई थी, तब मायावती ने बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पिछड़ों वंचितों की जातीय गणना कराने की बात कर एक तरह से नीतीश सरकार का समर्थन किया था। तब से ही यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएसपी बिहार में अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए यहां महागठबंधन से हाथ मिला सकती है। आपको बता दें कि मायावती का दलित समाज पर खासा प्रभाव माना जाता है। बिहार में हुए पिछले विधानसभा चुनाव की बात अगर करें तो चैनपुर सीट पर बसपा प्रत्याशी मोहम्मद जमा खान की जीत हुई थी। हालांकि बसपा के ये इकलौते विधायक बाद में जेडीयू में शामिल हो गए और वर्तमान में नीतीश सरकार के मंत्री हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि उत्तर प्रदेश से सटे बिहार के जिलों में मायावती का वोट फैक्टर महत्व रखता है। इंडिया भी अपने कुनबे का विस्तार करना चाहती है, ऐसे में बसपा सांसद के नीतीश से मुलाकात को अहम माना जा रहा है और अटकलों का बाजार भी गर्म है। हालांकि सांसद दानिश ने सीएम के साथ हुई इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है, लेकिन राजनीतिक मुलाकात के मायनों की हकीकत कब क्या निकल कर सामने आ जाए यह कोई नहीं बता सकता। बता दें कि दानिश अली उत्तर प्रदेश की अमरोहा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह बैठक ऐसे समय हुई है जब 2024 के लोकसभा चुनावों में एनडीए से मुकाबला करने के लिए विपक्षी गुट को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू और कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल एक साथ आए हैं। हालांकि बसपा, इंडिया गठबंधन और बीजेपी से समान दूरी पर बनी हुई है और अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, लेकिन राजनीति में दावों की असलियत कब क्या निकल कर सामने आए कोई नहीं जानता। लाइव सिटीज चैनल के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के वीडियोस के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।